हेलो कला प्रेमियों, कैसे आप लोग। वेलकम टू रेक्स प्लस। आज मैं इस वीडियो में नाना जी का आउटलाइन ड्रॉ करने वाला हूं। जब मैं छोटा था तभी मेरे नाना जी गुजर गए थे। इस वीडियो में मैं फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करने वाला हूं और इसके पीछे मैंने किस टेक्निक का यूज किया वो भी बताने वाला हूं। इस टेक्निक का यूज करके दुनिया का कोई भी लोग किसी भी तरह का ड्रॉइंग कर सकता है। जिसे ड्रॉइंग बिल्कुल भी नहीं आता वो भी ड्रॉइंग कर सकता है। आइए सबसे पहले देखते हैं मैंने आउटलाइन किस तरह से ड्रॉ किया है और फिर इसके पीछे का टेक्निक को समझेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम किसी भी तरह का मेजरिंग टूल का यूज नहीं कर रहे हैं और एकदम से फ्रीली ड्रॉ कर रहे हैं और आसानी से शेप क्रिएट कर पा रहे हैं। बड़े ही जल्द आसानी से हम इस आउटलाइन को कंप्लीट कर लिए। इस ड्राइंग के पीछे जो टेक्निक का यूज हुआ उसे हम कैमरा लुसिडा कहते हैं, या कह सकते हैं कैमरा लुसिडा के आधार पर है। एक ऐप है प्ले स्टोर पर, फिनो कैमरा लुसिडा, उसी का यूज करके हम इसे बनाए हुए हैं। कैमरा लुसिडा एक्चुअल में वो होता ये है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस के यूज से हम जो ड्राइंग शीट होता है उसमें सामने वाला ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब देखते हैं, तो उसी टेक्निक को हम कैमरा लुसिडा कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से फिनो कैमरा लुसिडा ऐप का यूज करते हैं और किस तरह से इसका सेटअप करते हैं और किस टाइप का स्टैंड का यूज करना चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले ऐप ओपन करेंगे। फिनो ऐप ओपन करने के बाद एड आइकन जो उस पर क्लिक करने के बाद हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे जिस इमेज को ड्रॉ करना है। इमेज सेलेक्ट हो गया। अब आप देखें नीचे एक एरो का आइकन है और इसके नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे स्केलिंग का, टिल्ट का, बहुत सारा ऑप्शन है। अब हम पेपर को अच्छे से फिक्स कर लें। मेरा पेपर बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए और जहाँ पे मोबाइल स्टैंड करेंगे, जो फिक्स करेंगे, मोबाइल भी मेरा नहीं हिलना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मेरा सेटअप तैयार है। नीचे ड्राइंग करना है और ऊपर मोबाइल में ऐप ओपन करके इस तरह से रख दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रखा हुआ, मोबाइल भी नहीं हिलना चाहिए और मोबाइल वहाँ पे रखा हुआ, मोबाइल हिलना नहीं चाहिए और नीचे जो मेरा ड्राइंग है वो भी फिक्स रहना चाहिए, तभी होगा। मोबाइल को स्टैंड पे रखने के बाद हम ऐप को सेटअप करेंगे। कुछ इस तरह का ऐप का इंटरफेस है। ओपेसिटी को हम घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और स्केल इस पर क्लिक करके हम फ़ोटो का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम पेपर के साइज के हिसाब से फ़ोटो को सेट करेंगे। अब हम फोटो का पोजीशन पेपर के पास लाके रख दिए हुए हैं। अब हम ओपेसिटी में इसका ओपेसिटी घटा बढ़ा सके देख सकते हैं, 40 के अप्रोक्स ही रखेंगे और फोकस में क्लिक करके एक बार पेपर को फोकस कर लेंगे। अब इसके बाद सीधा जा करके सेव कर देना है। पेपर में फोकस हो जाने के बाद हम जाएंगे सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यह गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर बाय द वे ऐप क्रैश कर गया या फिर रीस्टार्ट करने का ज़रूरत पड़ा तो हम सेव्ड वाला फ़ोटो यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ओपेसिटी के साथ ही छेड़छाड़ करना है बस। तो इस तरह से हम ओपेसिटी को 40 के आसपास रखेंगे जिससे कि मेरा पेंसिल का लाइन भी दिखे और फोटो भी दिखे। अब हम इस तरह से पोजीशन पे खड़े होकर के मोबाइल को देखेंगे और नीचे पेपर पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दो वीडियो दिखा रहे हैं, जो राइट साइड है वो मोबाइल का व्यू है और जो लेफ्ट साइड है वो ओरिजिनल ड्राइंग शीट का व्यू है। अब मोबाइल को ही देख करके जो हमारा ड्राइंग शीट है हम उस पर ड्राइंग इस तरह से करेंगे। जो भी एजेस हमें दिख रहा है हम उसे ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमारा आउटलाइन कम्प्लीटली बन करके तैयार हो जाएगा। जब तक यह आउटलाइन बन रहा है तब तक हम अपना वीडियो का प्रमोशन कर लेते हैं। 26 जनवरी आ रहा है और उसके लिए मैंने तिरंगा का ड्राइंग किया हुआ है, रियलिस्टिक ड्राइंग है।
आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपको अगर इस वीडियो को समझने में कहीं पे भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई बहुत इंस्टेंटली दे देते हैं। आप वीडियो के रिलेटेड भी कुछ फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ताकि हम आगे वाला वीडियो को सुधार सकें। तो इस टेक्निक की मदद से इतना आसानी से आउटलाइन तैयार हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।